2018 के पहले जब सिविल गुरुजी आया था उसके पहले सिविल इंजीनियर्स को जॉब करने में या जॉब ढूंढने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती थी, और 2018 के बाद क्या क्या सिविल इंजीनियर्स की हेल्प हुई सिविल गुरुजी के आने के बाद। हेलो इंजीनियर्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं गौरव राठौर, कॉरपोरेट ट्रेनर, स्वागत करता हूं आपका सिविल गुरुजी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। तो इंजीनियर्स, आज हम बात करने वाले हैं सिविल गुरुजी के बारे में, क्योंकि आज की जो डेट है 7 जून, इसी दिन सिविल गुरुजी एग्जिस्टेंस में आया था, मतलब कि सिविल गुरुजी का फाउंडेशन डे है आज 7 जून का। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि 2018 जब सिविल गुरुजी स्टार्ट हुआ था भिलाई ब्रांच से, आज मैं आपसे जो बात कर रहा हूं 2024 में सिविल गुरुजी की पुणे ब्रांच से। तो हम ये सफ़र के बारे में पता करने वाले हैं कि 2018 से लेकर 2024 के बीच में सिविल गुरुजी ने कितना अपने आप को एक्सपैंड किया है और किस तरह से ट्रेनिंग प्रोवाइड की है, और साथ ही साथ में कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो सिविल गुरुजी के लिए हर एक इंजीनियर्स के दिमाग में होता है। इन सब चीज़ों से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ कि 2018 के पहले जब सिविल गुरुजी आया था उसके पहले सिविल इंजीनियर्स को जॉब करने में या जॉब ढूंढने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती थी, और 2018 के बाद क्या क्या सिविल इंजीनियर्स की हेल्प हुई सिविल गुरुजी के आने के बाद, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और लास्ट में मैं इसका आंसर आपको जरूर दूंगा। तो इंजीनियर, सबसे पहला क्वेश्चन जो हर किसी के दिमाग में आता है वो होता है कि व्हाट इज सिविल गुरुजी, सिविल गुरुजी आखिर में है क्या। तो मैं आपको बता दूं, सिविल गुरुजी इज इंडियाज लीडिंग स्किल डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म फॉर सिविल इंजीनियर्स, जो ऑफर करता है रिलायबल कोर्सेस सिविल इंजीनियर्स को, ताकि इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयमेंट और कंपनीज इंडस्ट्रीज के बीच का जो गैप है उसे फिल कर पाए। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। मैं समझाता हूं, मतलब कि कंपनीज को सिविल इंजीनियर से क्या चाहिए, सिविल इंजीनियर्स के पास ऐसी कौन कौन सी स्किल्स होना चाहिए जो कंपनी को जरूरी होती है, वो सारी स्किल्स सिविल गुरुजी प्रोवाइड करा रहा है सिविल इंजीनियर को 2018 से, ताकि जब ये सिविल इंजीनियर साइट पर जाए तो इसे कोई भी फ्रेशर ना बोल सके और या फिर अनस्किलफुल ना बोल सके। सो आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट सिविल गुरुजी डिड, मतलब कि सिविल गुरुजी ने 2018 से लेकर 2024 तक क्या किया है। तो अगर मैं आपको बताऊं नेटवर्क के बारे में, तो सिविल गुरुजी का जो नेटवर्क है अभी तक का 2018 से 2024 तक में 85,000 प्लस इंजीनियर्स सिविल गुरुजी ने ट्रेन कर दिए हैं, और वही इंजीनियर्स अच्छी अच्छी फॉर्म में जॉब भी कर रहे हैं। अरे मानना तो पड़ेगा, तभी तो सिविल गुरुजी सारे के सारे फीडबैक्स यूट्यूब फेसबुक और इंस्टाग्राम पे बताते हैं, और आप जानते हैं कि सिविल गुरुजी की इंस्टाग्राम फेसबुक और यूट्यूब की फैमिली कितनी बड़ी है। तो आपके दिमाग में अगला क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि इतने इंजीनियर सिविल गुरुजी ने ट्रेन कर कैसे दिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि सिविल गुरुजी की ट्रेनिंग के दो सिस्टम है, एक ऑफलाइन सिस्टम और एक ऑनलाइन सिस्टम। ऑफलाइन सिस्टम में सिविल गुरुजी की ब्रांच पर इंजीनियर्स को आना होता है और वहाँ पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, और उसी तरह अगर हम बात करें वो इंजीनियर्स जो ब्रांच पर नहीं आ सकते या कहीं जॉब कर रहे हैं, तो उनके लिए बनाया है हमारा ऑनलाइन मॉड्यूल। उस ऑनलाइन मॉड्यूल से इंजीनियर्स ट्रेनिंग ले सकते हैं और साथ ही साथ अच्छे से अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। अब जब 2018 में सिविल गुरुजी स्टार्ट हुआ था, सिर्फ एक ब्रांच थी जो कि थी भिलाई ब्रांच। धीरे धीरे इंजीनियर्स ज़्यादा होते गए, ब्रांचेस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती गई, इसलिए आज 2024 में सिविल गुरुजी के 22 प्लस ब्रांचेस है ऑल इंडिया में, जहां पर ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। और साथ ही साथ में सिविल गुरुजी का जो कंटेंट है वो बहुत ही इजी वे में बनाया गया है, साथ ही वो अट्रैक्टिव मॉडल्स का यूज़ करते हैं अपने इंजीनियर्स को समझाने के लिए, ताकि इंजीनियर्स की इमेजिनेशन पावर बढ़े और वो समझ सके कि किस तरह से साइट पर एग्जीक्यूशन होता है। और साथ ही साथ में फेसबुक इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर छोटे छोटे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट फैक्ट्स सिविल गुरुजी प्रोवाइड कराता रहता है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि सिविल गुरुजी के कोर्स में ऐसा क्या, तो जैसा कि मैंने आपको बताया सिविल गुरुजी यूज़ करते हैं अट्रैक्टिव 3D मॉडल्स, ताकि इंजीनियर्स का इमेजिनेशन पावर बढ़ सके और वो समझ सके कि साइट में एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है, क्योंकि बहुत से इंजीनियर्स आते हैं जो फ्रेशर्स होते हैं वो कभी साइट पर नहीं गए होते हैं, तो उनके लिए 3D मॉडल्स काफ़ी इफेक्टिव होते हैं। बात तो सही है। और साथ में फ्यूचर इंडस्ट्री में क्या चेंजेस आ रहे हैं सिविल गुरुजी उसको भी कवर करता है अपने टॉपिक्स में।
अब इन सब के बाद आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि अगर इतना सब सिविल गुरुजी ने किया है तो क्या सिविल गुरुजी को कुछ अवार्ड्स मिले हैं? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो हाँ, बिल्कुल अवार्ड्स मिले हैं सिविल गुरुजी को। मैं आपको बताता हूँ वो कौन कौन से अवार्ड्स हैं जो सिविल गुरुजी को मिले हैं। सिविल गुरुजी को इंडियाज बेस्ट सिविल इंजीनियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का अवार्ड मिला है इंटरनेशनल बिजनेस अवार्ड की तरफ से, और साथ ही साथ में कुछ अवार्ड्स और मिले हैं जैसे कि इंडियन एजुकेशन अवार्ड, एड टेक अवार्ड एंड आइकॉन ऑफ इंडिया अवार्ड। तो गाइज, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि पुष्पेंद्र सर का सिविल गुरुजी ओपन करने का सिर्फ एक ही मोटिव था कि हर एक सिविल इंजीनियर स्किलफुल होना चाहिए ताकि सिविल इंजीनियर का कोई मजाक ना उड़ा सके। और आज सिविल इंजीनियर सारे स्किल्स लेकर अच्छी अच्छी कंपनीज में प्लेस्ड हो रहे हैं और साथ ही साथ बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंट से काम भी करवा रहे हैं। जलवा है हमारा। तो अगर आप भी एक सिविल इंजीनियर हैं और आप चाहते हैं कि अच्छे से स्किल लेना और साथ में अच्छी कंपनी में जॉब पाना और कॉन्फिडेंट के साथ इंटरव्यू दे पाना, तो आप भी हमारे सिविल गुरुजी की ब्रांच को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी पास की सिटी पे इनरोल करा सकते हैं। जैसा कि सिविल गुरुजी की पुणे वाली ब्रांच में हम ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं और साथ ही साथ में हाई राइज बिल्डिंग का एग्जीक्यूशन दिखाते हैं। तो अगर आपको हाई राइज बिल्डिंग का एग्जीक्यूशन भी सीखना है तो आप सिविल गुरुजी की पुणे वाली ब्रांच पर आ सकते हैं। यहाँ पर हम आपको साइट पर ले जाकर सारी चीज़ें प्रैक्टिकली सिखाते हैं और साथ ही साथ में रिज्यूम मेकिंग, पोर्टफोलियो मेकिंग और इंटरव्यू की प्रिपरेशंस भी करवाते हैं। ये था आज हमारा वीडियो, और आज का वीडियो फुल ऑन सिविल गुरुजी के ऊपर था। सिविल गुरुजी के लिए अगर आपको और भी कोई क्वेश्चंस दिमाग में हैं तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, आप तक उसका रिप्लाई ज़रूर पहुँचेगा। तो इंजीनियर्स, इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और पढ़ते रहिए और सीखते रहिए, क्योंकि करना है खास तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। थैंक यू। जय हिंद। जो डेट है 7 जून, 7 जून, 7 जून।